विकेट कीपर। क्रिकेट में शब्द का इस्तेमाल उस खिलाड़ी के लिए किया जाता है जो विकेट्स के पीछे से टीम को जिताने के लिए मशक्कत करता है। भारतीय क्रिकेट टीम में कई विकेट कीपर आए और गए, लेकिन धोनी का नाम विकेट कीपिंग में अमर है। धोनी के जैसा ना तो कोई विकेट कीपर था और ना शायद कभी होगा। लेकिन ऐसा क्यों? धोनी से पहले भी भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विकेट कीपर के तौर पर धोनी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शायद उनकी उपलब्धियां अद्वितीय हैं इसलिए। लेकिन दोस्तों, विकेट के पीछे जादूगरी दिखाने वाले धोनी अकेले खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा धुरंधर भी रहा है जिसका करियर शुरू ही नहीं होने दिया गया। एक ऐसा बदकिस्मत क्रिकेट खिलाड़ी जिसको धोनी के होने से नुकसान उठाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की जिसका करियर धोनी की वजह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, हो सकता है कि धोनी के फैंस इस वीडियो को देखने के बाद हमें भला बुरा कहें और शायद इस वीडियो को बिना देखे ही चले जाएं। लेकिन आज हम जो कुछ भी इस वीडियो में बताएंगे वो फैक्ट्स हैं। हम खुद भी धोनी के खेल के कायल हैं, लेकिन ये भी सच है कि धोनी की वजह से भारतीय टीम के एक खिलाड़ी का करियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। ऐसा खिलाड़ी जो विश्व क्रिकेट में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस और क्षमता रखता था। अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नमन ओझा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। साल 2022 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच खेला गया। ये सीरीज क्रिकेट के उन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेली जाती है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन सचिन की अगुवाई वाली इंडियन लेजेंड टीम ने दूसरी बार सीरीज पर कब्जा जमाया। लेकिन सबकी नजरें टिकी रही उस धुरंधर बल्लेबाज के ऊपर जिसकी नाबाद 108 रनों की पारी की बदौलत इंडियन लेजेंड्स ने सीरीज को दूसरी बार जीता था। खिलाड़ी का नाम था नमन ओझा। इंडियन लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 195 रन बनाए थे, जिसमें 108 रनों का योगदान नमन ओझा ने दिया था। लेकिन श्रीलंका लेजेंड्स 196 रनों का जवाब नहीं दे सकी और 162 रन पर ही दम तोड़ दिया। इंडियन लेजेंड्स ने दूसरी बार श्रीलंका से एक खिताब छीना था। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पिछले सीजन में भी इंडियन लेजेंड्स ने फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स को मात दी थी, लेकिन इस सीजन में नमन की धुरंधर बल्लेबाजी ने समा ही बांध दिया था। नमन ओझा की शानदार बल्लेबाजी का अद्भुत नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया और जमाना एक बार फिर से नमन के खेल का दीवाना हो गया। जो नमन को पहले से जानते थे उन्हें अफसोस था नमन के क्रिकेट करियर के खत्म होने का और युवा क्रिकेट फैंस नमन के रिकॉर्ड को खोज रहे थे। नमन ओझा विकेट कीपर बल्लेबाज थे जिसकी ना तो बल्लेबाजी में कमी थी और ना ही विकेट कीपिंग में, लेकिन बावजूद इसके उनका भारतीय क्रिकेट टीम में कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया गया। नमन ओझा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि वो विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में तब आए जिस दौर में धोनी का बोलबाला था। 20 जुलाई 1983 को उज्जैन में जन्मे नमन को बचपन से ही क्रिकेटर बनना था। नमन के माता पिता ने उनके सपने को पूरा करने के लिए उनका बहुत साथ दिया। महज 14 साल की उम्र में नमन क्रिकेट का सपना आंखों में सजो कर इंदौर में परिवार को छोड़ करके चले आए। नमन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। नमन की मेहनत जल्द ही रंग लाई और उन्हें पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। नमन को 2000-2001 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्य प्रदेश की टीम से खेलने का मौका मिला। सीमित ओवर्स के मैचों में नमन को काफी सराहना मिलती थी। साल 2008-2009 के चैलेंजर ट्रॉफी में भी नमन को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला और उसे भुनाते हुए नमन ने ग्रीन इंडिया की तरफ से 96 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में नमन को ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, मगर रणजी ट्रॉफी में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। नमन को आईपीएल के दूसरे सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए खेलने का मौका दिया। इस मौके को उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और अपने दूसरे मुकाबले में उन्होंने अपने T20 खेल का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और अर्धशतक जड़ा। एक तरफ नमन घरेलू क्रिकेट खेल कर नाम कमा रहे थे और आईपीएल से भी उनके नाम की खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन नमन को तो इंतजार था इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनने का। नमन का ये सपना जल्दी पूरा हुआ। नमन को टीम में जगह मिल गई, लेकिन उन्हें टीम में उस वक्त जगह दी जाती थी जब वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया जाता था। धोनी के रेस्ट पर होने की वजह से टीम में एक विकेट कीपर की जरूरत थी। नमन का फर्स्ट क्लास और आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, इसलिए नमन को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिल पाई थी। साल 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नमन ओझा ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। इस दौरान नमन ने अपना वनडे और T20 डेब्यू भी किया था। नमन ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाने की सोची। वो नमन के लिए कीमती पल थे जिन्हें अगर वो कामयाब बना देते तो उनकी जगह टीम में पक्की हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। नमन को उम्मीद थी कि उनके प्रदर्शन से सेलेक्टर्स की नींद टूटेगी और उन्हें और भी मौके दिए जाएंगे, लेकिन नमन को उसके बाद भी कुछ खास मौके नहीं मिले। ओझा का टेस्ट डेब्यू काफी लेट हुआ। 5 साल तक नमन को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। साल 2015 में एक बार फिर से सेलेक्टर्स ने नमन को टीम में जगह देने की सोची, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पर गए थे। जब नमन 32 साल के थे तो अगस्त 2015 में भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे और तीसरे टेस्ट में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। उस वक्त टीम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे विद्वान साहा को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा था। उस मैच में ओझा को मौका मिला और उन्होंने 56 रन बनाने के साथ ही 4 कैच और 1 स्टंपिंग भी की थी। अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के बावजूद नमन को भारतीय टीम में स्थायी रूप से कभी जगह नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका महेंद्र सिंह धोनी के एरा में खेलना।
महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान और एक बेहतरीन विकेट कीपर, बल्लेबाज और फिनिशर थे। उनकी जगह किसी को तभी टीम में लिया जाता था जब धोनी को रेस्ट पर रखना होता था। नमन की बदकिस्मती ही थी कि वह धोनी के युग में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आए थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नमन के खेल में कोई झोल था, बल्कि वो तो एक बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। इंटरनेशनल खेल में नमन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसका मुख्य कारण उनका ज्यादातर टीम से बाहर रहना था। जब जब टीम में से किसी भी वरिष्ठ विकेट कीपर को रेस्ट दिया जाता था तब नमन को जगह मिलती थी। उसमें भी उन्हें सिर्फ एक ही दो मैचेस खेलने को मिलते थे। नमन ने घरेलू मैचेस में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने 146 रणजी मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 9753 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 219 करा है। विकेट के पीछे भी नमन ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और घरेलू मैचेस में भी नमन ने अपनी विकेट कीपिंग से 571 शिकार किए हैं जिसमें से 417 कैचेस हैं और 54 स्टंपिंग। आईपीएल में नमन का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। नमन ने 113 आईपीएल मैचेस में 1554 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन का रहा है। नमन ने अपने डूबते करियर को संभालने की बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। साल 2021 में नमन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अपने रिटायरमेंट की खबर देते वक्त नमन ने लिखा था कि उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा भारतीय टीम के साथ बेहतरीन लम्हे न गुजार पाने का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि देश के लिए और राज्य के लिए उन्होंने जितना खेला उससे वह खुश है और अब जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी खिलाड़ी का करियर उसके खेल पर निर्भर करता है लेकिन नमन ओझा के बारे में कहा जाए तो यहाँ किस्मत बड़ा रोल अदा करती है। धोनी की भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदगी ने नमन ओझा की जगह नहीं बनने दी और एक बेहतरीन खिलाड़ी का पतन हो गया। सिर्फ नमन ही नहीं बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी रहे जिन्हें मौके नहीं मिले और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद हाशिए पर कर दिए गए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।